एनसीसी भर्ती इंट्रेंस एग्जाम क्विज टेस्ट 7, तो डेली क्लास शाम में 8 बजे होती है, रेगुलर आप क्लास करेंगे जिन्हें भी एनसीसी लेना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। टोटल आपको 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बताऊँगा जो अब तक भर्ती में पूछे गए हैं, सारे आपको याद करने पड़ेंगे और आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया मैंने भर्ती का, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिएगा और रेगुलर क्लास कीजिएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही होता है और ऑल इंडिया में इसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100% भी सेम आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपने गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके अपने मॉडल पेपर से सेट होता है, इसलिए ऑलमोस्ट जगह 90% प्लस या 100% भी बहुत जगह सेम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जो लोग नए हैं सभी का वेलकम है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सभी को जय हिंद। टेस्ट पूरा दीजिएगा, टोटल 35 क्वेश्चन है, 15 मिनट की टेस्ट होगी और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, बाकी प्लेलिस्ट से पीछे का टेस्ट देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, मिलिटेंट्स, कैडेट्स। जैसे अभी आप स्टूडेंट्स हो, जब आप एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको किस नाम से बुलाया जाएगा? एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कैडेट्स। एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड नहीं दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। सेकंड, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? हिमालय में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? टोटल पूछे गए क्वेश्चन है, चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। थर्ड, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? गवर्नर का, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, वित्त मंत्री का या राष्ट्रपति का? 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। फोर, भारत में सबसे बड़ा विधानसभा कौन सा है? बिहार का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का या पश्चिम बंगाल का? भारत में सबसे बड़ा विधानसभा कौन सा है? क्वेश्चन का लेवल अभी हाई हो गया है, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का, जिसमें 404 सदस्य हैं, हो सकता है अभी बढ़ भी गए होंगे। फिफ्थ, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं? विच पर्सन इज नोन एज द नेम ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछता है। बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। सिक्स, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? शहर पूछा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या जयपुर? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर यानी सिटी कौन सा है? फास्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। सेवन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, पीवी सिंधु, इंदिरा गांधी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 35 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देना। ऑप्शन है बछेंद्री पाल। 8, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? मतलब एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। 9, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? शक्ति और साहस को, बलिदान को, विकास और उर्वरता को, शांति और सत्य को? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? चलिए फास्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विकास और उर्वरता को। 10, BSF का फुल फॉर्म लिखे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फायर, बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योर फोर्स? फुल फॉर्म ऑफ BSF, क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 11, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अयोध्या का राम मंदिर, हरिद्वार का शिव मंदिर, हिमाचल प्रदेश का हनुमान मंदिर?
भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 12। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 23, 24, 25, 26। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं, क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 24। 13। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? शक्ति और साहस का, बलिदान का, विकास और उर्वरता का, शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है, मतलब उजला कलर जो तिरंगे झंडे में होता है क्या शो करता है, और शांति और सत्य का डी होगा। 14। पत्ते हरा क्यों होते हैं? हेमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, धूप के कारण या पानी के कारण? पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 14। चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लोरोफिल के कारण। 15। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 20 जुलाई 1947 को, 18 जून 1947 को, 22 जून 1948 को, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट है, सारे भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन। ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को। 16। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या यमुना नदी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गंगा नदी। 17। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, जवाहर सुरंग या रोहतांग सुरंग? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? गुड जोश, चलिए फास्ट। सारे क्वेश्चन मोस्ट वीबीआई क्योंकि भर्ती में पूछे गए हैं। ए चेनानी नासरी सुरंग जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। 18। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने या अकबर ने? हु इस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्र सिटी, जो पटना के पास है, पटना में ही है, क्या होगा? 35 क्वेश्चन है टोटल, पूरा टेस्ट देना। श्री अजातशत्रु ने। 19। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2:3, 3:1, 2:1, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3:2। 20। एनएसजी का फुल फॉर्म लिखे, नॉन सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गारंटी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सुप्रीम गार्ड। फुल फॉर्म ऑफ एनएसजी, क्वेश्चन नंबर 20, एनएसजी का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 21। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या सरदार वल्लभ भाई पटेल? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय ने ही पूछा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। 22। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। 23। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 5 अक्टूबर को? ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट हिंदी डे? 23 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 सितंबर को। 24। भारत में कितने राज्य हैं? 29, 30, 27 या 28? भारत में कुल कितने राज्य हैं, 24 का क्या होगा? करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी 28। 25, टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखिए। सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम लिखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। 26, आईआईटी का फुल फॉर्म लिखें। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम। फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी 26 का क्या होगा? चलो फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 27, सिखों के 10वें गुरु का नाम बताएं। महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। 28, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, रानी लक्ष्मीबाई। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 28 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज। 29, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम लिखो। रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम लिखो। नोबेल पुरस्कार जो शांति के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। 30, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? मतलब किसके किसके बीच? बाबर और अकबर, हेमू और अकबर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी और चंदबरदाई। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? क्वेश्चन का लेवल टफ होता है, डेली शाम में 8 बजे रेगुलर क्लास करना और सारे क्वेश्चन ऐसे से याद कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। 31, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? नीम व ब्रह्मा की, पीपल व शिव की, बेलपत्र व शालिग्राम की, धतुरा व सूर्य की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 31। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पीपल व शिव की। 32, रामायण किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि कवि ऋषि ने, महर्षि वाल्मीकि ने, देवर्षि नारद ने। रामायण किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा? चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि ने। 33, 2021 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बैडमिंटन में, जेवलिन थ्रो में, हॉकी में, टेनिस में। 2021 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? 33 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो में। 34, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 5 जुलाई 1916 को, 5 जून 1916 को, 5 जुलाई 1911 को, 5 जून 1917 को। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 34 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 जुलाई 1916 को। लास्ट क्वेश्चन नंबर 35, सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, नोबेल शांति पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अशोक चक्र। सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? मतलब शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले हिंट किया था, तो बी होगा नोबेल शांति पुरस्कार। तो आपका स्कोर कितना है और आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें। जिनका 35 में 35 सही है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी लोग भी बताएंगे कमेंट में कि आपका कितना सही है। और टेस्ट डेली दीजिएगा शाम में 8 बजे, कल होगा नेक्स्ट क्विज टेस्ट 8, डेली शाम में 8 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से करना। और अपने दोस्तों को भी बता देंगे जिन्हें NCC लेनी है। स्कूल की भर्ती ऑल इंडिया में स्टार्ट है, स्कूल वाले अपने NCC टीचर और NCC बटालियन से कॉन्टैक्ट करें। कॉलेज का भर्ती
न्यू एडमिशन कॉलेज में होने के जस्ट बाद होगा, मैं नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगा। भर्ती मॉडल पेपर के लिए प्ले स्टोर से तेजस एनसीसीआरमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, और ऐप का रिव्यू भी दे देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप एनसीसी भर्ती का मैंने बना रखा है, सब लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टा आईडी का भी लिंक, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत हो मैसेज करना। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे सभी लोग, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, भर्ती किस प्रकार से होती है, रनिंग कितना होता है, प्लेलिस्ट में सारा जानकारी है। क्विज टेस्ट का अलग प्लेलिस्ट है, मॉडल पेपर का अलग है, एनसीसी भर्ती डिटेल्स का अलग है, नवल विंग एयर विंग का अलग है, उसमें से देख लेंगे, ठीक है, सारी जानकारी। क्लास डेली कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को डेली लाइक कर देंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्विज टेस्ट सेट में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।